अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयबा उमर। लेट्स डू इट। आज हम बनाने लगे हैं गरारा। आई होप आप सबको पसंद आएगा। ये मेथड बहुत इजी है। ये छोटी बच्ची का गरारा है, इस तरह आप बड़ों का भी गरारा बना सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये जो गरारा मैं बना रही हूँ, ये 1.5 से 2 साल की बच्ची का गरारा है। इसकी हम पहले लेंथ मेजर करते हैं। ये मेजरमेंट का ट्राउज़र है, इसकी लेंथ है 14.5। अब इसकी विड्थ मेजर कर लेते हैं। इसकी विड्थ है 14 और गरारा थोड़ा सा लूज़ होता है, इसलिए इससे हम थोड़ा सा लूज़ ही रखेंगे। जो फैब्रिक का विड्थ है, उसके विड्थ को हमने मेजर किया। फैब्रिक का विड्थ 17 इंचेस है और गरारा थोड़ा लूज़ होता है, इसलिए हम इसे 17 ही कर लेते हैं। अब हम लेंथ मेजर करते हैं। इस विड्थ हम एज इट इज़ रख लेंगे। अब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। लेंथ हमने रखनी है नीज़ तक। गरारे की कटिंग अलग होगी, इसलिए हमने लेंथ पहले मेजर कर ली है नीज़ तक 11 इंचेस, और 1.5 इंच जो है वो हम ऊपर से नेफा मोड़ेंगे, और हाफ इंच जो है वो नीचे से सीम अलाउंस होगा। सीम अलाउंस छोड़ना मत भूलिएगा, सीम अलाउंस साथ ज़रूर ऐड करें। इस तरह 13-13 इंच के पूरे फैब्रिक पर निशान लगा लें और फिर उसको आपस में मैच कर लें ताकि कटिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो, कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। कटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, स्टिचिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी अगर कटिंग स्ट्रेट ना हो। इसको हमने मैच कर लिया, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके कटिंग के निशान लगाएंगे। ऊपर से हम मेजर करेंगे, 9 इंच पे निशान लगा लेंगे क्योंकि ऊपर से नेफा भी मोड़ना है, और उसके अलावा जो आसन है वो थोड़ा लंबा होता है बच्चों का, पैम्पर वगैरह होता है उसके लिए थोड़ा लंबा ही आसन चाहिए होता है क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अदरवाइज़ बाद में। अब हम नीचे से 6 इंच का निशान लगाएंगे। 5 इंच तकरीबन 5.5 या 5 इंच तैयार होगा और इसमें सीम अलाउंस ऐड है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप देख रहे हैं इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम ऊपर से 1 इंच का निशान लगाएंगे और उसको नीचे से मिला लेंगे ऐसे, आगे से थोड़ा सा कर्व देके। फिर इसकी कटिंग कर लें। ये तैयार हो गया है, ऊपर वाली कटिंग हो गई है। अब हम नीज से नीचे जो है उसकी मेजरमेंट करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। ये पहले से मैंने एक फैब्रिक कट करके रखा हुआ है, दूसरा फैब्रिक में दूसरे नीज के लिए मैं आपके सामने कट करूंगी। 2 फैब्रिक चाहिए हमें। एक साइड पे एक चुनेट डल के अटैच होगा और दूसरे साइड पे दूसरा फैब्रिक अटैच होगा। चुनेट डल के चुनेट डालिएगा, कोशिश कीजिएगा प्लेट ना डालें, चुनेट से अच्छा जो है उसकी फॉल बहुत अच्छी आती है। अब मैंने यहाँ से मेजर किया है, 11 इंच पे निशान लगाएं। इसी तरह पूरे फैब्रिक पे 11 इंच का निशान लगा लें ताकि फिर अगेन फैब्रिक अच्छी तरह से स्ट्रेट कट हो। ये सारे स्टेप्स ज़रूर कीजिएगा, स्टेप्स याद रखिएगा। फिर ये ना कहिएगा इसने तो बताया ही नहीं था, इट्स जस्ट फॉर फन, क्योंकि फ़न भी तो ज़रूरी है थोड़ा बहुत। अच्छा, अब ये कटिंग कर लें, स्ट्रेट कटिंग करें। अब ये दोनों पीस मेरे पास रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं एक पीस मैंने पहले से कट किया हुआ था, ये दूसरा पीस भी मैंने कट कर लिया है। अब ये गरारा की कटिंग हो चुकी है, हम मिड से मिड के साथ जोड़ेंगे। ये स्टिचिंग करके फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और चुनट डालने के लिए आप मशीन का टांका फुल रखिएगा और उस पर 2 सिलाइयाँ लगाइएगा और फिर चुनट डालिएगा। एक सिलाई से चुनट अच्छी नहीं आएगी। और ये यहाँ पे हम लेस लगाएंगे।
ये मैंने स्टिचिंग कर ली है, ऊपर से नेफा भी मोड़ लिया है। ये देखें मिड में से भी स्टिचिंग कर ली है। अब मैं चुनट डालना स्टार्ट करूँगी। अगेन चुनट के लिए दो सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने, एक सिलाई में बिल्कुल अच्छी चुनट नहीं आती। ये आपके सामने मैं चुनट डालूंगी और यहाँ जो है ये इसके मुताबिक चुनट होगी, इस जगह के मुताबिक इस तरह खींच के चुनट डाल लें और कोशिश कीजिएगा कि धागा ना टूटे। स्टिच करते हुए भी कोशिश कीजिए कि धागा बीच में ना टूटे, फिरकी का भी ना टूटे और नलकी का भी, अदरवाइज चुनट सही नहीं आएगी। सारे फैब्रिक में इसी तरह चुनट डाल लें और इसको उस नीज वाली जगह के मुताबिक कर लें, उसके मेजरमेंट्स के मुताबिक पूरे फैब्रिक में चुनट डाल लें इसी तरह। और चुनट डालने के बाद चुनट को एक जितना कीजिएगा बराबर कीजिएगा, कहीं पे ज़्यादा चुनट कहीं पे कम चुनट बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए मैंने चुनट डाल लिया है, अब ये इसके मेजरमेंट्स के बराबर कर लिया है। इसको इसके साथ अटैच करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो अटैच करके फिर मैं वापस आती हूँ। चले जी मैं वापस आ गई और ये मैंने अटैच कर लिया है, लेस भी लगा ली है। अब सिर्फ मिड की सिलाई और नीचे की सिलाई रह गई है, वो मैं लगा के आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं चुनट कितनी अच्छी है, ये प्लेट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, प्लेट्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो गरारा में हमेशा चुनट ज़्यादा अच्छी लगती है, उसकी लुक बहुत अच्छी आती है, इसलिए आप कोशिश करें कि चुनट ही डालें, प्लेट्स ना डालिएगा। ये गरारा पूरा स्टिच हो चुका है, इसकी मिड की सिलाई भी हो चुकी है, नीचे से मैंने थोड़ा ज़्यादा फोल्ड किया है, इससे थोड़ा गरारे में फॉल आएगा, गरारा एक जगह ठहरा रहेगा, अदरवाइज़ गरारा जो है वो एक जगह ठहरा नहीं रहता, वो घिरा घिरा सा रहता है। इस तरह गरारे की थोड़ी फॉल ज़्यादा अच्छी आएगी और थोड़ा फूला फूला रहेगा गरारा। इस पे मैंने ग्रीन लेस इसलिए लगाई है क्योंकि इसकी जो शर्ट है वो ग्रीन कलर की है, अनरखा स्टाइल में। इस पे मैंने टसल्स लगाए हैं और आगे लेस लगाई है, ये भी मैंने खुद स्टिच की है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे गरारा घर में स्टिच करना। स्टिच करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप देख रहे हैं मरियम को भी अपना गरारा बहुत पसंद आया है, वो बहुत खुश है। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।